বের চাচা এবের বিহারি ট্যালেন্ট দেখাবা গুজরাতি কে আপ সত্তা সে বাহার কর চাচা পড়ে লিখে ব্যক্তি এক ইঞ্জিনিয়ার হ্যাঁ বো এক ইঞ্জিনিয়ার হ্যাঁ চৌথি ফেল নহীঁ হ্যাঁ কি লোক इस देश के लोकतंत्र का सफाया करने के लिए संविधान का सफाया करने के लिए गद्दी में बैठा दें ये इंजीनियर हैं और इनको बैठना चाहिए 400 आ गया एक बार तो मारे अपने लिए अपनी सरकार बचाने के लिए एक बार बिहार के लाल बिहार के विकास के लिए पलटी मार दीजिए 2004 से जो कार्यकाल जो बिहार करा है शिक्षा पर सिंचाई पर रोजगार पर हरियाली पर रोड पर सम्राट चौधरी बोल क्या बोला था कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारेंगे तब पगड़ी उतारेंगे सम्राट चौधरी तू अपन तो भूल अब नीतीश कुमार कितना पावर है कि तो मोदी के कुर्सी से उतार दिया इससे आगे भी कुछ कर नीतीश कुमार वो टैलेंट है वो ताकत है ना कि 45-42 सीट लेके भी मुख्यमंत्री का पावर रखते हैं ठीक है तो पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति के आगे जाहिल व्यक्ति सब फेल है और नीतीश कुमार इज बेस्ट मुख्यमंत्री थे अब बेस्ट प्रधानमंत्री रहेंगे तेजस्वी यादव कहियो चाचा गलत बोले है अच्छा अच्छा बड़े बुजुर्ग है कुछ बोल देता है भतीजे है कुछ गाली देते तो दिक्कत होगा नीतीश कुमार किंग मेकर कल से उनको नए नाम से बुलाया जा रहा है किंग मेकर आप उनकी आलोचना कर सकते हैं उनकी बुराई कर सकते हैं पर उन्हें नकार नहीं सकते ये है नीतीश कुमार आज से कुछ महीने पहले ही जो राजद उन्हें पानी पी पी के कोस रही थी कि हाय हमें छोड़कर चले गए पलटू कुमार है पलट जाते हैं आज वही राजद आज वही महागठबंधन जो है उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं वजह है उनका चुनाव में बिहार के चुनाव में 12 सीट ले आना उस इंसान को कहा जाता है कि आप एक इंसान से नफरत कर सकते हैं लेकिन उसकी अच्छाई को नकार नहीं सकते शायद यही नीतीश कुमार है तो जनता से पूछेंगे कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में तो देख चुकी है क्या प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है या ये चाहती है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहे हमारे बीच जनता है जनता से पूछेंगे नीतीश कुमार को लेकर के बहुत अब तो किंग मेकर कहा जा रहा है उनको क्या कहिएगा उनके बारे में नीतीश कुमार देखिए नीतीश कुमार से मेरा पर्सनली एक अनुरोध है समझे एक बार चाचा एक बार कई एक बार तो मारे अपने लिए अपनी सरकार बचाने के लिए एक बार बिहार के लाल बिहार के विकास के लिए पलटी मार दीजिए समझे क्योंकि हमने बहुत बार मौका मिला आपको पलटी मारे इधर आए उधर गए हमें कोई दिक्कत नहीं रहा समझे क्या कहेगा नीतीश कुमार के बारे में अब उन्हें किंग मेकर कहा जा रहा है जहाँ नीतीश कुमार जाएंगे सरकार उन्हीं की बनेगी उनको हम गर्व करते हैं कि नीतीश कुमार बिहार से बिलोंग करते हैं और हम भी बिहारी हैं क्या बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार को पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको सुशासन बाबू के नाम से भी लोग बुलाते हैं पूरे हिंदुस्तान में अगर बात होता है कि सुशासन बाबू का तो लोग बोलते हैं खड़े होके अरे नहीं ये तो नीतीश कुमार जी का बात कर रहे हैं तो सुशासन बाबू नीतीश कुमार है ठीक है जो 2004 से मैंने आंखों से देखा है कोई दूसरा कोई बताया नहीं है कोई किताब में पढ़ी नहीं है अपनी आंखों से देखें 2004 से जो कार्यकाल जो बिहार करा है शिक्षा पर सिंचाई पर रोजगार पर हरियाली पर रोड पर सड़क पर और पुल का जो निर्माण हुआ है आदरणीय हमारे सुशासन बाबू का देन है ठीक है तो दोहराई नहीं कि पढ़े लिखे व्यक्ति एक इंजीनियर है वो एक इंजीनियर है चौथी फेल नहीं है कि लोग इस देश के लोकतंत्र का सफाया करने के लिए संविधान का सफाया करने के लिए गद्दी में बैठा दें ये इंजीनियर हैं और इनको बैठना चाहिए और बैठना इसलिए चाहिए क्योंकि नीतीश जी एक बात समझ चुके थे कि मैं आरजेडी में रहूँगा तो भी विशेष राज का दर्जा नहीं ला पाऊँगा मैं बीजेपी में भी रहूँगा तो विशेष राज का दर्जा नहीं ला पाऊँगा मैं खुद प्रधानमंत्री बनूंगा तो बिहार को सबसे पहले विशेष राज का दर्जा देने का काम करूँगा लगता है कि महागठबंधन के बिल्कुल बहुत बड़ा खेला बाकी है अभी ठीक है मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया है अब बधाई हो मोदी जी को कि तीसरी बार अब प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे इस्तीफा भी दिया है तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए नहीं तीसरी बार आप चाय फड़ा के पिलाइए पिए क्या आप जब वो एयरपोर्ट पे आते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि क्या लगता है नीतीश जी तो वो बोलते हैं सरकार तो बनेगी क्लियर कर दिया सरकार भी जेडीयू भी आज कह रही है कि सरकार तो बनेगी हालांकि उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है सरकार बनेगी बोली ना सरकार बननी भी चाहिए लेकिन किसकी बननी चाहिए नीतीश कुमार ने बोला अरे भैया प्रधानमंत्री देश के थे हर कोई चाहेगा मिलने के लिए नीतीश कुमार भी मिल लिए तो क्या दिक्कत है गए किसके साथ है सबसे बड़ी बात है दिल की बात आपकी है कि उनको गए किसके साथ है दिल्ली ये बताइए आप
वो तो क्या चाचा और भतीजा साथ में गए कि नहीं? जद्दी वाले कह रहे इत्तेफाक था, पीछे बैठे हुए थे, हमारे पीछे लगने की आदत है। साथ में बैठ गए थे उसमें? हाँ। साथ का ही वीडियो वायरल हुआ है, दोनों को अगल बगल बैठे हुए थे, खिड़की विंडो साइड में हमारे चाचा जी थे और इधर हमारे भाई बैठे हुए। कुछ महीना पहले विपक्ष जो है नीतीश कुमार को पानी पी पी करके जो है कटाक्ष कर रही थी, कोस रही थी, अब उनके सुर बदले नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं अब तो महात्मा है नीतीश कुमार, हमारी तरफ ही आएंगे, हमारी विचारधारा के। देखिए नीतीश कुमार वो टैलेंट है, वो ताकत है ना, कि 45-42 सीट लेके भी मुख्यमंत्री का पावर रखते हैं। ठीक है, तो पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति के आगे जाहिल व्यक्ति सब फेल है, और नीतीश कुमार इज बेस्ट मुख्यमंत्री थे, अब बेस्ट प्रधानमंत्री रहेंगे और सबसे पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। चलिए, बेस्ट मुख्यमंत्री थे, बेस्ट प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या बनेंगे? हरा हरा गमछा टांगे हुए हैं। हम चाचा से निवेदन करना चाहेंगे, चाचा आप तो जन्मे करते हैं, आप ही इंडिया अलायंस बनाए थे, आप चले गए तो आपका भतीजा जो वादा किया कि हम झंडा लेके आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़े पिलर तैयार है इंडिया अलायंस के, खाली छत के जो था। चाचा हम तो जन्मे करते कि आप पलटने में एक्सपर्ट है, दिखा दा अपन टैलेंट, मार दा पलटी चाचा, इतना मार ले, एक बार और मारा, हर बार पलटी मार देता बिहार बदल जाता है। अरे मार जाएंगे चाचा, पलटने में एक्सपर्ट है, अपन टैलेंट दिखा देगा। ए बेर चाचा, ए बेर बिहारी टैलेंट दिखावा गुजराती के, आप सत्ता से बाहर करो चाचा। ढेर दिन मोदी जी चाटे पलाई पर घूम रहे, कुछ नहीं होगा। अरे तुमसे नहीं होगा यार, 400 आ गया, 400 आ गया, आ गया ना, आयो नहीं होगा, ले ले ले, सुनो ना, ये वही लोग हैं जो 400 पर खूब कूद रहा था, यूपी पर कूद रहा था, दिखा दिया। आप दो दिन और खुशी मना ले, अब फिर चाचा के टैलेंट जलवे लग करते हैं आप लोग जी। नहीं जानते, बताइए, तुरंत पलटी मार देंगे। हाँ, कल गया था सम्राट चौधरी मिलने, चाचा बोला ओ हमारा कुर्सी से हटाए तब पगड़ी उतारे, रुक रुक तोरा हम मोदी के कुर्सी से उतारे, तू का है? सम्राट चौधरी बोल क्या बोला था कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारेंगे तब पगड़ी उतारेंगे। सम्राट चौधरी तू अपन तो भूल, अब नीतीश कुमार कितना पावर है कि तो मोदी के कुर्सी से उतार दिया, इससे आगे भी कुछ करना। के पार्टी वाले भी तो उनको कोस रहे थे, कह रहे थे कि पलट जाते हैं बार बार, किसी के नहीं है ना, हम तो पहले बोले नीतीश चाचा सबके है। अच्छा, पलट हाँ, अच्छा लगने सबके है, मतलब सबके तो चाचा हमर तो पहले हमर। अच्छा, चाचा तो हर हाँ गुजराती के, पहले हम बिहारी, चाचा बिहारी तो हमर, गुजराती के थोड़ी हो, हमर चाचा हम कुछ बोली दूसरा के कहे फाटी, चाचा हमारे चाचा जन्मे करते हैं, तेजस्वी यादव कहियो चाचा के गलत बोले है, अच्छा चाचा बड़े बुजुर्ग है, कुछ बोल देता है, भतीजे है कुछ गाली देते तो दिक्कत होगा। अब प्यार है तो इसीलिए, अब जरूरत है तो इसीलिए प्यार, चाचा है चाचा, आप लोग तो जन्मे करते हैं बिहार के, चाचा भतीजा के रिश्ता जन्मे ना करते, रिश्ता दिख भी रहा था। अच्छा है, तेजस्वी यादव कभी बोले? तेजस्वी यादव नहीं, चाचा चाचा बोलते थे, आज साथ में गए हैं, चाचा माथ पर रख दो हाथ, दे दो आशीर्वाद, अब भतीजा के बनावा बिहार के सीमा, बोले तू देश के पीएम, जा घूमा अमेरिका लंदन, काम करी हम सब मिलके। अच्छा, क्या कहिए? मैंने अशोक सम्राट बोला था कि पगड़ी जो बने है ना, नीतीश कुमार को गद्दी पर से उतार करके पगड़ी खोलेंगे, चौधरी, हाँ सम्राट चौधरी, और जो है यदि नीतीश कुमार यदि याद रखेंगे नीतीश बाबू, तो एक बेर नीतीश जी आपको राहुल ऑफर दे रहे हैं, मान लिया प्रियंका गांधी ऑफर दे रहे हैं, तो एक बार पीएम बन करके बिहार के धरती पर बिहार का नाम रोशन करो। नीतीश कुमार आप गुजर भी जाइएगा तो आपका नाम बिहार में रोशन होगा और पूरे बिहार का नाम रोशन होगा और पूरे बिहार और भारत के विकास करिए नीतीश बाबू, जबकि बिहार के धरती पर आप पुल बनाए, रोड बनाए, बिजली दिए, पैखाना दिए और सब कुछ दिए हैं और शिक्षा दिए हैं, तो एक बेर भारत के पीएम भी बन जाइए नीतीश कुमार, जे कि बिहार के नाम रोशन हुए, आपका नाम भी जलम जलम रोशन रहे जब तक मृत्यु बन चले। एक बार पलट जाइए नीतीश कुमार, एक बार पलट जाइए, यहाँ लोग कह रहे हैं कि पलट जाइए और प्रधानमंत्री का जो एक बिहार को मौका दीजिए कि कोई बिहार का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने। बाकी आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।